जानकारों से चर्चा शुरू हो गई है तो ट्रेस भी लेना शुरू करते हैं। गावा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय ताजा क्या ले रहे हैं? जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है नेस्ले। नेस्ले 2513 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 2500 का, तो ऑन द अपसाइड टारगेट 2550, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए नेस्ले। नेस्ले आपका 2513 पे एक बाय ट्रेड है, करीब करीब आधा परसेंट ऊपर। मीनवाइल अभी हमने हर्षदार मैंने निफ्टी बैंक पे बात नहीं करी, याद रखिएगा निफ्टी बैंक डे हाई पर है। सुबह मॉर्निंग की सिर्फ एक प्लेट लेके आई, ये जो मैंने रखी थी यहाँ पे रेजिस्टेंस की प्लेट, क्योंकि निफ्टी बैंक का थ्रेश होल्ड पॉइंट नज़दीक था, निफ्टी का काफ़ी दूर था, वो था 50719। अगर कटेगा तो बाइसेक्ट होके मिलेगा आपको 50910, ठीक है? और 50910 की ट्रेजेक्ट्री अगर कट गई तो आपको 51090 और 51238 मिल सकता है। अब जरा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार के लिए बहुत संक्षेप में कॉल आइटर्स के स्टैट्स से। 51000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाइज देख लीजिए, क्योंकि निफ्टी बैंक अब डी हाई पर आ गया है। अब 5910 का क्लस्टर कट रहा है, फेडरल बैंक एट डे हाई, और बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स डे हाई पर आ रहे हैं। जरा एक बार डॉक्टर साहब, 51000 की कॉल में ओआई शेड शुरू हो गया है, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो मैं कह रहा हूँ कि 51090 और 51200 की ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल है इस केस में, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी स्टार्ट हो गई है 51000 की कॉल में और आपने पिवट पॉइंट्स को क्रॉस कर दिया। तो प्लीज़ सुबह की मॉर्निंग कमेंट्री के मुताबिक उन लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी, मेरा ट्रेड रहेगा वीरेंद्र जी, मैंने फ्राइडे से रेकमेंड किया हुआ था डाबर, मुझे लगता है डाबर अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आज पूरे अप एंड डाउन में इसने कुछ भी कोई लेवल ब्रेक नहीं किया है, इनफैक्ट डे हाईस की तरफ है। तो डाबर पोजिशनल भी आप यहाँ पे 620 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग रह सकते हैं, या फिर किसी को अगर एस बी टी एस टी भी करना है तो भी मुझे लगता है डाबर में अच्छा स्ट्रेंथ है। आप 645 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहिए, 680 इसका इमीडिएट टारगेट है, इसके ऊपर जाता है तो 720 का भी पोजिशनल टारगेट है। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो अगर हम बायोकॉन की तरफ देखें तो एक हॉबी बुक जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करना, वो हो चुका है, वहां से बाउंस मिल रहा है। दूसरी बात, जब वो रेंज ब्रेकआउट हुआ था तब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा करीबन 378-369 के आसपास, 378-379 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस डे लो के नीचे यानी 365 के नीचे रखूंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो 400 से लेके 410 के आसपास होगा। 400 से 410 के लिए बायोकॉन में एक मौका। राजेश सातपुते, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर है आईसीआईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक 1230 से इसका पहला रेजिस्टेंस था जो इसने सरपास किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 1250 ये एक छोटा 20 पॉइंट का टारगेट लेके आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में तेजी, और आईसीआईसीआई बैंक इनफैक्ट आज वो बिग मूवर्स में शामिल है जिसने निफ्टी बैंक की चाल को खासा सुधारा है, जिसका जिक्र अभी वीरू कर रहे थे, 51000 के पार निकलता हुआ निफ्टी बैंक। शिवांगी नमस्कार, बताइए आप क्या ट्रेड ले रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे रडार पे है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक पिछले लगातार 11 हफ्तों से सपोर्ट पे स्पाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को मिल रही है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिख रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ हमें कारसाई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देख रहे हैं इस स्टॉक में। तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट जो है यहाँ पे फॉलो अप बाइंग काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आते हुए दिखेगी, पूरे ही कंजम्पशन एफएमसीजी स्पेस का एक टेलविंड भी मिल देगा स्टॉक को। और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 3050 के टारगेट्स के लिए और 2870 के एक स्टॉप के साथ। एक्चुअल 2925 पर आपका बाय ट्रेड है। शरद जी के पास जाएं, उससे पहले मैं एक ट्रेड स्पॉट और करना चाहता हूं, जो कि मैंने सुबह भी मेंशन किया था कि एक नजर रखिएगा आप एसीसी पर। जरा डॉक्टर साहब एसीसी स्क्रीन पर रखिएगा, अभी बीते 15 मिनट में एसीसी के ओआई में एक्टिविटी में एक मेजर परिवर्तन आया है। सुबह बात क्या हुई थी आपको याद होगा के क्लोज स्ट्रॉन्ग था शुक्रवार का, आज की लोअर शेडो वाइल्ड रिकवर हो गया खुलते साथ, अब ये अपने पिछले दो सेशन की जो हाईएस्ट क्लस्टर है उसको बाइसेक्ट करके बाहर निकलता हुआ। शिल्पा जी ये स्पॉट किया है अभी यहाँ पे, अब ये फाइनली निकलता हुआ, आपका टेक एसीसी पर? जी
465 के ऊपर जाते ही इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ बन जाएगा, जिसमें आप एक अग्रेसिव अपसाइड टूवर्ड्स 2600 के भी पोजिशनल टारगेट्स के लिए आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी आप एक प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट मुझे लगता है अच्छा खासा रहेगा एंड अपसाइड आपको स्ट्रांग मिलेगा। तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं ट्रेड, आप 2400 तक के डिक्लाइंस में आप इसको बाई कर सकते हैं विद सपोर्ट, या फिर आप यहाँ पे 2500 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली 37-38 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप यहाँ पे आप 17 रुपये का रखिए, और ये व्यू सही जाता है तो ये आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा 75 से 90 के बीच में। ओके, तो ACC पर भी एक व्यू आ गया। शरद, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जेके लक्ष्मी सीमेंट हमारा आइडिया रहेगा आज का। लगभग 9000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में कंपनी ऑपरेट करती है। अभी कैपेसिटी लगभग 16-16.5 मिलियन टन्स की है, और अभी जो वो एक रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उसका असर भी लास्ट अगले एक साल में लगभग पूरा हो जाएगा। वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है कि ये अभी भी कंपैरेटिवली काफी सस्ती मिल रही है कंपनी। फेयर वैल्यू हमारे हिसाब से $110 ईवी पर टन के आसपास होनी चाहिए। अगले 5 सालों में कंपनी अपनी कैपेसिटी को डबल करने की योजना भी रखती है। इस साल के एंड तक भी लगभग 2.5 मिलियन टन की और कैपेसिटी ऐड होगी अक्टूबर के आसपास। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी कंपनी है जिसके ऑपरेशनल मेट्रिक्स भी सबसे बेटर है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज है, और लगातार ग्रोथ आती रहनी चाहिए जैसे अगले 4-5 साल की योजना है। और रिन्यूएबल पावर में भी काफी शिफ्ट कर लिया है, तो पावर कॉस्ट वगैरह भी काफी इनके कंपेरेबल है। तो मुझे लगता है हमारा ये मानना है कि इनकी जो ईवी पर्टन अभी चल रही है वो बहुत सबड्यूड है, और पोस्ट मॉनसून सीमेंट में पिकअप मिलना चाहिए, तो जिसकी वजह से जेके लक्ष्मी सीमेंट में एक अपग्रेड होने की पूरी गुंजाइश है। $110 के ईवी पे अगर ट्रेड करता है तो हमारे हिसाब से शुरुआती लक्ष्य करीब 1125-30 के आने चाहिए, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इसे भी काफी बड़ा लक्ष्य। तो इनिशियली 1125-1150 के लक्ष्य के हिसाब से जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड ऑफर करता है। इसी की हम बात कर रहे थे।